चलने तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हम लोग आए हैं चेंबूर में माला कॉलोनी। वही सेम सीन है यहाँ पे कि मुंबई में जैसे बहुत जगह पे राशन नहीं मिला है, यहाँ भी नहीं मिला है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये लोग के बारे में सोचिए। हम लोग तो सोच रहे हैं कि मुंबई में हर कोई बांट रहा है, हर जगह जा रहा है, लेकिन मुंबई में भी ऐसी बहुत सी जगह बची हुई है जहाँ पर राशन अभी तक के नहीं मिला है, अभी तक के कोई हेल्प नहीं आई है। तो प्लीज़, पूरा रमज़ान निकल गया, लॉकडाउन अभी पता नहीं कब तक चलेगा, डोनेशन नहीं आ रहा है, प्लीज़ डोनेट करिए ताकि ये जो मुहिम चालू है वो आगे बढ़े। तो प्लीज़ आपसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि हम लोग बोल बोल के थक गए, आप लोग देखिए, कब से हमें नहीं दे रहे, अपने आजू बाजू में देखिए। तो हमारी कुछ बहन ऐसी है जो हॉस्पिटल में काम करती है, लेकिन काम बनाने की वजह से उनको कुछ मिल नहीं रहा है, उनकी पगार रुक गई है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है डोनेट करो ताकि ऐसे लोग की मदद होते रहे। हेलो, आपने कॉल किया था हमें। हाँ, आज बताइए कुछ बोलना चाहोगे। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, जैसे कि मैंने कल फ़ोन की थी और आपके अल्लाह के बंदे के टीम यहाँ पर आज आ गए, और बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जो इन गरीबों तक आप राशन पहुँचाए। और एजाज भाई, मैं आपका FB में देखती हूँ वीडियो, हमेशा आपके अल्लाह के बंदे के टीम अपनी बीमारी की ना परवाह करते हुए हर जगह पे, हर गली पे ये लोग जाते हैं और गरीबों को राशन देते हैं। और एजाज भाई, आपके बहुत शुक्रगुजार है कि आपने यहाँ पर राशन पहुँचाए। और एक बात सलमान भाई, मैं तो सोची थी कि आप बोलते कि वीडियो मत बनाओ, सलमान भाई, सलमान खान जो बोलते कि वीडियो मत बनाओ, मत दिखाओ, आप खुद एजाज भाई का देख के वीडियो बना रहे हैं और आप सरकार को दे रहे पैसे, जो मदद करने वाला बंदा है एजाज खान, उसको तो आप मदद करना चाहिए खुद सामने से आके। जितने भी लोग हैं, मुझे तो आज तक किसी की मदद नहीं मिली सिवाय एजाज खान भाई के। हर जगह पे, हर गली में एजाज भाई के टीम, जैसे कि अल्लाह के बंदे के टीम जो है, अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे, अच्छा रखे, बीमारी की ना परवाह करते हुए ये बच्चे, अपनी बीवी, बच्चे, माँ, बहन, भाई को छोड़ के जो भी इनको कॉल करता है, तो ये अल्लाह के बंदे की टीम जो एजाज भाई की, ये हर जगह पे पहुंच जाते हैं। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे, अच्छा रखे, और हर जगह पे ये बच्चे जाते हैं, अल्लाह इनको, लोगों ने रोजे रख के ये बच्चे हर एक गली में, हर एक एरिया में, जिधर से भी फोन आता है, ये बच्चे सके, ये सेहत भाई है, जैसे कि मैंने कल इनको कॉल की थी और ये आज इधर पे राशन लेके आ गए। बहुत बहुत मेहरबानी है एजाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। जैसे कि आप देख रहे हो, इसके बावजूद अभी जितना राशन बटा आप देख रहे हो सामने, और लाइन लगी पड़ी है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के, मेरे भाई, हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हम लोगों की परेशानियाँ जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप लोग घर पे बैठे हो, थोड़ा सा सीरियसली लो, और आप सभी से गुजारिश है कि इस बात की ईद मनानी है, बट सादगी के साथ, सादगी में, वो सब फजूल खर्ची छोड़ के, वो पैसे को, उसी पैसे से ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद है, जिसके घर पे खाना नहीं है, आप कौन से हिसाब से, कौन से दिल रख के आप नए कपड़े पहनोगे? लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, हमको ये टाइम एकदम सादगी से ईद मनानी, ईद तो मनानी है, लेकिन सादगी के साथ घर पे रहते हुए गवर्नमेंट का जो भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए घर पे नमाज पढ़ेंगे, ईद की नमाज। भाई ने भी, एजाज भाई ने भी अपील की है, हम लोग अल्लाह के बंदे की तरफ से भी आपको अपील कर रहे हैं कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, और घर पे ही नमाज पढ़िए, और नए कामों में, नए कपड़ों में फजूल खर्ची मत करिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। निश्चित निश्चित।